जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम आशीष, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में आज मैं बताऊंगा एक रोम के बारे में, जो कि कॉस्टम रोम के बारे में। ये लाटेस्ट है, आई थिंक मेरे ख्याल से ये पुराना हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे यूज़ किया हूँ लाटेस्ट MSM एक्सटेंडेड रोम जो है। ये काफ़ी बढ़िया रोम है, आप बड़े मज़े से यूज़ कर पाएंगे। तो इस रोम के बारे में थोड़ा सा कुछ डिटेल्स में जाते हैं। सेटिंग्स के अंदर चले जाते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखाते हैं अबाउट के अंदर। यहाँ पे देखिए एक्सटेंडेड रोम जो है, कस्टम रोम चेक कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे कोडिंग जो कर रखे हैं, इनका नाम भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ऑफिशियल डिवाइस के अंदर सपोर्ट करता है। बैक करिए, यहाँ पे डिवाइस का नाम MI A1 है और यहाँ पे एंड्रॉयड 10 वर्सन यह रन करता है। तो ये काफ़ी बढ़िया और मज़ेदार रोम है, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ 2 दिन से, मैं चेक कर रहा हूँ। इसके अंदर जो सिक्योरिटी अपडेट देखिए, December 5, 2019 है। अंदर जाते हैं, बटन्स ऑप्शन आता है, तो बटन के अंदर आप यहाँ से चेक कर सकते हो। डिजेबल हार्डवेयर की ये बंद हो जाएगा। डेकोर रूम ऑप्शन आता है कि कौन सा चीज़ें आपको चेक करना है इसके अंदर। एम्बेड डिस्प्ले, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी इसके अंदर अवेलेबल है। बाकी क्या करते हैं, इसको लॉक ऑफ किए, ऑफ करने के बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पर शो कर गया। तो ये जो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ ये रन करता है। तो आप बड़े आसानी से यहाँ से बहुत सारे सेटिंग है आप चेक कर सकते हो। तो एनिमेशंस के अंदर जाते हैं, तो सिस्टम एनिमेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको चेंजेस करना है, कौन सा एनिमेशन कैसा स्टाइल करना है, तो आप बड़े आसानी से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। साथ में बैटरी स्टाइल के अंदर ऑप्शन आता है, बैटरी स्टाइल को आप जैसे इनेबल कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो। जैसे यहाँ पर सर्कल ले लिए, बैटरी का सर्कल आ गया। और यहाँ पर अगर बैटरी का डिटेल लेते हैं, एक सेकंड, अगर यहाँ पर सर्कल डॉटेड दे देंगे तो ये भी आ गया। ऑप्शन आता है हिडन, अगर बैटरी उड़ाना पड़ता है तो यहाँ से उड़ा भी सकते हैं, क्या बात है। तो ये काफ़ी बढ़िया और कस्टम टाइप का ऑप्शन आता है, जो भी सेटअप करके आप यूज़ कर सकते। चार्जिंग सिंबल जो आता है, चार्जिंग के ऑप्शन के टाइम वो सेटअप हो जाएगा, बैटरी परसेंटेज चार्जिंग होगा तब वहाँ पे शो कर जाएगा। बैक करिए, इसके बाद क्लॉक सेटिंग में जाते हैं। मैंने सिर्फ इसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बता रहा हूँ, बाकी फीचर्स तो आज यूजल सभी रोम में सेम ही होता है, बट इसके अंदर नया नया चीज़ क्या है, आप यहाँ पर AM PM भी लगा सकते हो, क्या बात है। छोटा बड़ा यहाँ पे देखिए AM PM यहाँ पे सेट हो गया, क्योंकि हमारे खास करके एंड्रॉइड 9.5 के अपडेट के बाद वो AM PM गायब था। सो सेकंड ऑप्शन भी आता है, ये भी सेकंड भी यहाँ से कर सकते हो। डेट वगैरह भी शो कर सकते हो, डेट को नॉर्मलाइजेशन कर सकते हो। टेक्स्ट फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हो, जो क्लॉक फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। बैक करिए, उसके बाद कैरियर लेवल के ऑप्शन आते हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कौन सा क्या है। स्टेटस बार लोगों के अंदर आप ये भी चेंज कर सकते हो, जो जो कलर आपको चाहिए यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो, कौन सा स्टाइल जा रहा है स्टेटस बार। यहाँ पे स्टेटस बार लोगो, लेफ्ट एक्सटेंडेड लोगो जो इसके अंदर आता है वो कैसा है क्या है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। बैटरी बार ऑप्शन आता है, बैटरी बार के जब आप चार्जिंग होगा तो उस टाइम बैटरी बार ऑप्शन भी आ जाता है। यहाँ पे स्टेटस बार के अंदर ले लेते हैं, बैटरी बार भी इनेबल हो जाएगा छोटा सा। पैक करते हैं, जिसके अंदर जेस्चर मेनू के अंदर जाते हैं, जेस्चर के अंदर AOSP जेस्चर काफ़ी बढ़िया है। स्वाइप अप फिंगरप्रिंट नोटिफिकेशन ऑप्शन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड में वो चलने लगता है, इसको इनेबल करते हैं, ये काफ़ी ठीक ठाक सा है। और सारे फीचर्स इसके अंदर A to Z देख के रखा है। जंप टू कैमरा ऑप्शन है, 3 बटन नेविगेशन, इसको इनेबल करते हैं तो ये ऑफ हो गया। तो ये इसका वर्क भी करेगा, बट इसको भी आप इनेबल कर सकते हो। देखो यहाँ पे स्वाइप अप भी चल गया, इसके बीच में आप जाके बटन्स को यहाँ पे ऑफ कर दीजिए, ये भी ऑफ हो गया। बड़े आसानी से आप यहाँ पे स्वाइप अप जिस तरह का फीचर्स इनेबल कर सकते हो, देख पा रहे होंगे। तो ये काफ़ी बढ़िया और मज़ेदार है। तो आप और भी कई सारे, जैसे डबल टैप टू लॉक, डबल टैप वो इनेबल, यहाँ पे स्टेटस बार, पावर बटन टच, यहाँ पे ऑटोमेटिक इतना टाइम के अंदर ऑफ इनेबल हो जाएगा, ये कुछ फीचर्स जो कि देता है काफ़ी बढ़िया। लॉक स्क्रीन के अंदर भी आप इस टाइप का UI सेटअप बना सकते हो। और नेविगेशन बार को, नेविगेशन टूनर के अंदर आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, कुछ चीज़ें एडिट कर सकते हो। तो बहुत सारा फीचर्स इसके अंदर इनेबल है। पावर मेनू के अंदर आप इतना सारा सेटअप दे सकते हो, एक ही बार में पावर मेनू टैप करोगे तो ये सारे इनेबल हो जाएंगे, तो आपको कहीं भागना नहीं पड़ा। जैसे यहाँ पावर मेनू ऑन किया, तो प्रेस करके रखना है पावर मेनू को, यहाँ पे देखिए कितना सारा आ गया, इतने सारे सेटअप एक ही बार में आपको आ जाएगा। ये काफ़ी बढ़िया रहता है और सेटअप भी बना जाता है। क्विक सेटिंग के अंदर भी ऑप्शन आता है, कौन सी कौन, इसको भी आप इनेबल कर सकते हो, कितना छोटा बड़ा कर सकते हो। कुल मिला के अगर आप एक रोम लवर है तो इस रोम को आप कितना परसेंट दोगे, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर देखना। तो क्योंकि इस ऐप के अंदर, इस रोम के अंदर बहुत सारा फीचर्स भरा पड़ा है, आप क्या बताऊँ, इसके अंदर सेटिंग करते करते आप थक जाओगे। काफ़ी दिन के बाद एक मज़ेदार मिला है मुझे, जो कि एक्सटेंडर रोम जो है। यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर मैं चला जाता हूँ, डिस्प्ले के अंदर सबसे पहले नीचे जाता हूँ, यहाँ पर डार्क, वाओ
यहाँ पे सिंगल टैप डार्क मोड आ गया। तो फॉन्ट वगैरह यहाँ पे चेक हो रहा है कि नहीं, मैं एक बार देख लेता हूँ। आइकन शेप यहीं से चेंज कर सकते हो। हेडलाइन बॉडी फॉन्ट यहाँ पे चेक कर सकते हो, जो भी फॉन्ट वगैरह बड़े आसानी से यहाँ पे चेंज हो जाता है। काफ़ी दमदार है भाई, इस रोम के बारे में क्या बताऊँ। तो आप MI A1 के अंदर ये वाला रोम आप ट्राई कर सकते हो, एक्सटेंडर रोम। इसके बारे में और ज़्यादा नहीं डिस्कशन कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बड़ा नहीं करना चाहता, छोटे में बताना चाहता था, अब इतना ले आया। इस रोम के अंदर जो है, आप इस रोम का साथ एक एंड्रॉयड 10 का गैप्स इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप मिनी वाला करो या माइक्रो वाला, इससे क्या होगा, आपके गूगल का कोई भी सब्जेक्ट आप सब रन कर जाएगा इसके थ्रू। अगर जब आप गैप्स रन नहीं करोगे तो फिर आपको कई सारे प्रॉब्लम क्रिएट होगा इसके अंदर। मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ, जैसे आप चले जाते हो डेस्कटॉप पे, यहाँ पे कैमरा भी आपको इसके अंदर जी कैम का नहीं मिलता, इसके अंदर अलग से कोई कैमरा मिलता है, आप इसमें जी कैम वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। इसके अंदर कैमरा टू पे ऑलरेडी इनेबल हो के आया है, और भी कई सारे फीचर्स इसके अंदर हैं, बट मैं इतना ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ। बस ये था इसका वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। एंड्रॉयड 10 की अपडेट आया, अगर नहीं आया तो कस्टम रोम आप यूज़ कर सकते हो। मैं इसी तरह आपको नई नई कस्टम रोम के बारे में बताता रहूँगा। आपकी इच्छा है, अगर आप करना चाहते हो आप ये कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा रोम कैसे इंस्टॉल किया जाता है। बस ये था आज का वीडियो, मिलेंगे एक नए वीडियो से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वंदे मातरम।